सर आराम से। अरे सर बड़े भैया से तेरे पति को भी जानता हूँ समझी। विवाहिता को सरेआम बेइज्जत और दिखा देने की धमकी देकर मोस्ट वांटेड बने श्रीकांत त्यागी के घर आज बुलडोजर चला दिया गया। नोएडा सेक्टर 93 के ओमैक्स सोसाइटी में त्यागी का घर है। विवाहिता को सोसाइटी के आंगन में ही अनाप शनाप बोला गया और उसे धकियाने लगा। इसका वीडियो वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आ गई सीएम योगी सरकार की पुलिस। अब पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। भाजपा के कथित नेता श्रीकांत त्यागी को खोज निकालने के लिए उनकी पत्नी और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को पुलिस उठा लाई है। भाजपा द्वारा उसे पहले से ही निकाले जाने की बात सामने आई है। दबंग किस्म के त्यागी का पुराना इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं है। नोएडा के एक आला पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि फरार श्रीकांत त्यागी लगातार अपना लोकेशन बदल रहा है। उसका अंतिम लोकेशन हरिद्वार में मिला। उसने एक बार अपना फोन ऑन भी किया था। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लेने का दावा किया गया है। वहीं ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी की सुरक्षा का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली एजेंसी को भी दंडित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इल्जाम है कि त्यागी के कुछ करीबियों ने भी सोसाइटी में खूब हंगामा किया। उसके 6 गुर्गों को दबोच लिया गया है। लापरवाह और ढिलाई दिखाने वाले इलाके के थानेदार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। फरार त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। सूत्रों का कहना है कि फरार त्यागी बहुत जल्द कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। उसे खोज निकालने के लिए नोएडा पुलिस के साथ एसटीएफ को भी लगा दिया गया है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। त्यागी की गुंडाई को लेकर अब तक जो बातें सामने आई उसके अनुसार त्यागी अपने फ्लैट के आसपास के इलाके पर जो चाहता था वही करता था। सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देता। त्यागी पर अवैध निर्माण का भी इल्जाम है। सोसाइटी में पेड़ लगाने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि अब त्यागी भागा भागा फिर रहा है। नोएडा पुलिस ने अब उसकी पूरी जीवन कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। घर पर बुलडोजर चला पुलिस ने अपना मकसद साफ कर दिया है। चाहे कोई हो गुंडई किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट कोहराम लाइव।